वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, छोटो को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी पौना जी। अभी बज रहे हैं दोपहर का एक और मैं 10 मिनट में बस आरएफ को लेने के लिए निकल रही हूँ। ब्रूनो अपनी इधर उधर मस्ती कर रहा है और काम सारा हो चुका है, बस मैंने अभी एक सेकेंड होल्ड ऑन गाइज। जैसे ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ ना व्लॉगिंग के लिए, कभी ब्रूनो, कभी बेल, कभी स्टूडेंट्स, कभी कुछ मतलब टैड उसी टाइम होना, और ये इतनी मस्ती करता है। इधर से उधर जाकर ही लगा हुआ था अपना कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने में, पेट साफ कर रहा था अपना, इसीलिए मैं इसके पीछे भागी फटाफट। पर इसने अपनी एक जगह बना रखी है जहाँ पर सुसु पोटी एक ही जगह करता है, पूरे घर में गंद नहीं मचाता। तो छोड़ बाबा, इसने यही काम बहुत अच्छा किया है जिससे पूरे घर में गंदगी नहीं होती। और मैं अभी जा रही हूँ आरएफ को लेने। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा शेड्यूल इतना मतलब लेजी होता है, कई बार इतना फ्री होती हूँ मैं कि एक हफ्ते से ऊपर हो गया मेरा हेयर पैक का पूरा कार्टन आया हुआ है जो मैंने मंगवाया था। वो अलमारी के ऊपर मैंने एक बॉक्स के अंदर रखा था कि मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं सबको मिक्स करके एक जार में डाल लूँगी और लगा लूँगी। और ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ऊपर हो गया उसको आए हुए, मैंने अभी तक कार्टन में से उसको निकाला ही नहीं है। तो अभी सबसे पहला काम मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आरएफ को लाने में भी 15 मिनट हैं, तो मैं अभी उसको कार्टन में से निकालूंगी। और कार्टन में से निकालने के बाद उसको एक जार में पलटूंगी। और आरएफ को लेके आने के बाद पहले मैं जाऊंगी बिजली का बिल भरने, अगर टाइम लगा तो आरएफ का कोट लेने क्योंकि स्वेटर वो पहन के जा ही रहा है, और फिर अगर टाइम लगा तो हेयर पैक लगाऊंगी। तो आइए मैं दिखाती हूँ मैंने कहाँ रखा है। गाइस ये जो कार्टन आपको नजर आ रहा है ना अमेजोन का, वो मेरा पैकेट इसमें पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, वेट। ये देखिए ये पैकेट मैंने आपको दिखाया था जो मैंने मंगवाया है। ये ब्रूनो देखो मेरे पीछे पीछे, ये देखो जरा इसको, इसको खानी है हर चीज़, खाना खाया नहीं जाता। अब ये मैंने खोला है, ये तेरे लगाने का नहीं है। अब मैं इसको देखती हूँ जार में पलट कर, ये वाला पैकेट मैं एक जार में पलट लेती हूँ और टाइम लगेगा तो आज मैं लगा लूँगी। बकरी को देखो, तेरे खाने की चीज़ है ये? हाँ तेरे खाने की चीज़ है ये, खाना खाया नहीं जाता आपने है? खाना नहीं खाया जाता, खाना खाने के लिए लड़के ने 2 बार अपना नाश्ता बनवा लिया, निकम्मा खाना ये नो। गाइज ये देखिए फाइनली मैंने सारे पैकेट्स खाली कर लिए हैं। इसमें आंवला, भृंगराज, शिकाकाई, रीठा और हिबिस्कस पाउडर होता है, ये सारा मैंने इकट्ठा करके एक जार में बना लिया है। और अब जो मुझे लगाना होगा, अगर आज टाइम लगा तो मैं फिर इसको आधा घंटा लगा कर हेड वॉश कर लूँगी। तो ये मेरा अब रेडी हो गया ना, तो मैं कभी भी लगा सकती हूँ। और अब मैं जाती हूँ आरएफ को लेने और आपसे अब मैं मिलूंगी फटाफट आरएफ को लेके आने के बाद। आज तो मेरा प्रॉपर्टी हो गया, मैं आरएफ को लेने स्कूल ही नहीं गई, जा ही नहीं पाई। और अब मैंने अपनी एक फ्रेंड को, बहुत ही डियर वन है मेरी, उनको रिक्वेस्ट किया क्योंकि वो भी अपने बेटे को लेने स्कूल जाती हैं, आरएफ के साथ ही क्लास में पढ़ता है वो, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप आरएफ को लेकर आओ। मेरे हस्बैंड स्कूटी की चाबी अपनी जैकेट की जेब में डाल के ऑफिस ले गए, कितनी अच्छी बात है। और मैं 15 मिनट से पूरे घर में चाबी ढूंढ रही हूँ कि चाबी कहाँ गई, कहाँ गई, किसने रख दी, कहाँ रख दी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया तो मुझे पता चला कि मिस्टर अपनी जेब में जैकेट की चाबी रखकर, और हे भगवान मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब अपनी जैकेट की जेब में चाबी रखकर स्कूटी की ऑफिस ले गए। अब वो ऑफिस से वापस आ रहे हैं मुझे चाबी देने के लिए क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है, आरएफ का कोड भी लेने जाना है, बिजली का बिल भी भरने जाना है। तो मैं बिना स्कूटी के तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मैं कैसे करूँगी काम। तो अब वो चाबी देने आ रहे हैं, इतनी हौच पौच हो जाती है ना ये आदमी लोग, वाकई ना इनको हर चीज़ हाथ में चाहिए होती है और कुछ इनके पास छोड़ दो तो ये गड़बड़। देखिए अब पता नहीं कितनी देर में आ रहा है और फिर कितनी देर में मैं निकलती हूँ। चलिए मिलती हूँ आपसे। गाइज आरव भी आ गया, मेरे हस्बैंड भी आकर चाबी देकर स्कूटी की चले गए हैं, और मेरा अभी का काम रह गया बाजार का, तो मैं अब शाम को जाऊंगी क्योंकि ऑलमोस्ट 2:45 ऑलमोस्ट, मैं बहुत बार बोलती हूँ ऑलमोस्ट, मतलब 3 बजने वाले हैं। और इसीलिए मैं अभी नहीं जा रही बाजार, मैं नहाने धोने का काम करूंगी। आरव से मैं आपको मिलवाती हूँ, आरव के इंग्लिश के मार्क्स मिल गए हैं और फैंटाबुलस मार्क्स आए हैं, बहुत ही अच्छे नंबर हैं, इसीलिए मैं इसको टचवुड कुछ नहीं बोलती और मेरा ऐसे कुछ कहने का मन भी नहीं करता। ये देखिए, हाय ब्रो। हेलो चटोरे। केक के शौकीन लगे रहो मुन्ना भाई। गाइस अभी अगर आंखों के सामने केक हो तो यार, केक और चॉकलेट्स कौन रोकता है ना, कौन छोड़ सकता है, मैं तो खुद नहीं छोड़ सकती, चुंगा मारती रहती हूँ। पापा के लिए कितना मुश्किल हो गया, 1 घंटा चलाना 1 घंटा आना वापस। नहीं चलिए गाइस, मैं अब आपसे नहा धोकर आराम से मिलती हूँ, बाय बाय। गाइस हो गए हम नहा धो के एकदम रेडी, और बच्चों के आने का टाइम है और बच्चे आना शुरू हो गए हैं। आज है थर्सडे, मंदिर भी जाना है और प्रसाद भी चढ़ाना है। और मैंने आपको बताया था कि सर्दियों में जो वो लड्डू बनते हैं पंजीरी वाले टाइप्स, कड़वे कड़वे वाले, उसकी रेसिपी मुझे पता चल गई है, मुझे किसी ने व्हाट्सअप कर दी थी, जो हमारे व्लॉग देखते हैं वो हमें बता देते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आई लव माई दिस फैमिली वेरी मच और थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली वो मुझे मैसेज अभी दोपहर को ही व्हाट्सअप हुआ है, तो उसका इंग्रेडिएंट जो भी उसमें डालेगा वो भी मुझे लाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से पता चलता है कि आप लोग भी हमारी चिंता करते हैं, जैसे ही मैं कुछ बोलती हूँ 1 या 2 दिन के अंदर मुझे फट सॉल्यूशन मिल जाता है, तो थैंक यू।
और अभी मैं जाती हूँ पढ़ाने, ब्लैक कॉफी, आरव की चाय, ब्रूनो के चावल सब बन चुके हैं एकदम रेडी, और मैं आपसे मिलूंगी शाम को बच्चों को पढ़ाने के बाद। मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि वो जो रेसिपी मुझे बताई गई है लड्डू बनाने की, मैं आज तो नहीं बना पाऊंगी, टाइम नहीं है, कल या परसों में एक दो दिन के अंदर मैं वो जरूर शेयर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि वो कितना फायदेमंद होता है। 2000 years later. गाइज मैं हो गई हूँ पढ़ाकर एकदम फ्री और अब मैं जा रही हूँ मंदिर के लिए। बेटी का अभी कुछ पता ही नहीं, कॉल ही नहीं आया कब तक आएगी, तो मैं निकलती हूँ मंदिर। और आज क्या बनाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप समझ गए ना, तो कुछ समझ में ना आ रहा हो तो क्या बनता है पता नहीं। चलिए देखते हैं बाजार जाकर कि क्या हिसाब किताब बैठता है, फिर मैं सोचूंगी क्या बनाना और क्या नहीं, क्योंकि चलिए लेट्स सी, अभी नहीं बोलती मैं, पहले मिल जाए। और आरव नीचे खेलने गया अपने दोस्त के साथ 10-15 मिनट के लिए जब तक मैं नहीं जा रही। और खाना आज मैंने प्रसाद में चढ़ाया था समोसे, ब्रूनो को पेडिग्री दी है एज यूजुअल, वो नई वाली पेडिग्री भी बिल्कुल नहीं खा रहा, तो आई थिंक इसको पेडिग्री मैं बंद कर दूँ देना। और अगर आपको कुछ पता हो इनका ऑल्टरनेटिव, लाइक एग हम देते हैं या पनीर हम देते हैं, रोटी भी हम देते हैं, दूध वगैरह भी इसको पिला देते हैं, मतलब ज़बरदस्ती से ही, वो तो खैर पी लेता है, बट ये ना खाना नहीं खाता, लाइक डॉग फूड जो होता है ना प्रॉपर डॉग फूड, वो ये नहीं खाता। अब हर वक्त हम घर का ये मैनुअल, मतलब जो लोगों का खाना होता है वो नहीं दे सकते, तो डॉग फूड में और हम क्या क्या दे सकते हैं आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा जो ये गधा हमारा बकरी खाए। तो मैं आपसे मिलती हूँ बाज़ार में, प्रसाद लूँगी, मंदिर जाऊँगी, फिर आपसे मिलूँगी। गाइज अभी पहुंचे हैं साईं बाबा जी के मंदिर और आपको कराएंगे मंदिर के दर्शन, और मंदिर के काम काफ़ी अच्छा हो चुका है, कंस्ट्रक्शन भी बंद हो चुके हैं। देखिए ये देखिए गाइज, यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, फर्श भी मार्बल का लग गया है, यहाँ पर पूरा ऊपर देखिए श्रद्धा सबूरी लिखा हुआ है और दरबार बन चुका है, तो मंदिर का काम काफ़ी पूरा हो चुका है, वेरी गुड। और ये हैं हमारे साईं बाबा जी, जय साईं बाबा जी, जय साईं बाबा जी, जय साईं बाबा जी। गाइज मैं घर पहुंच गई हूं मंदिर से और अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना, फटाफट मैं लाई हूँ कबाब, चिकन कबाब, और बनाऊंगी मैं कबाब ग्रेवी, ग्रेवी वाले टेस्टी, और सबके मुंह में पानी आएगा, मेरे तो आता ही रहता है। और ये देखिए प्रसाद में मैंने क्या चढ़ाया है, ये देखिए गाइस कबाब में चढ़ाया है चमचम, हमेशा सबकी फेवरेट, कभी गुलाब जामुन कभी कुछ, आज मैंने अपनी फेवरेट चमचम चढ़ाई है, मज़ा ही आ गया। गाइस मैं आपको बताती हूँ चिकन कबाब की झटपट फटाफट रेसिपी, मिक्सी का बड़ा फायदा हो गया यार, फटाफट प्याज टमाटर पीस लिए, देखिए गाइज मैंने प्याज टमाटर पीस लिए हैं, दो बड़े प्याज, दो टमाटर, और इधर कढ़ाई में मैं डालूंगी सरसों का तेल, ऑब्वियसली मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ या देसी घी रिफाइंड सिर्फ तलने तलाने के लिए, और बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी बस, ठीक है। अब हम सिर्फ 2 मिनट वेट करेंगे जब ये तेल थोड़ा सा सड़ जाए, क्योंकि इसकी स्मेल आ जाएगी वरना, तो बस इसके सड़ने के बाद हम डालेंगे इसमें हींग, जीरा, प्याज टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी, जल्दी जल्दी मल्दी, और इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नींबू टेंगीनेस के लिए। मैंने आपको एक ही सांस में पूरी रेसिपी बता दी, बताई, लेकिन लाल मिर्च पाउडर मैं बहुत थोड़ा डालूंगी क्योंकि ये स्पाइसी होते हैं और फिर बच्चों से खाए नहीं जाते, स्पेशली आरव से बिल्कुल नहीं खाया जाता, ज़्यादा तीखा हो जाए तो। नमक अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूंगी 2 चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच बस, 1 चम्मच हल्दी, और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला ऑलमोस्ट आधा चम्मच जो घर का बनाया हुआ मेरा, और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें पूरा बनने के बाद चटपटा टैंगी नींबू का रस ताकि इसमें खट्टापन आ जाए, मजा आ गया ना। ये चीज़ें मिल जाए ना खाने के लिए डेली, तो डेली खाऊं ये सब्जियां, लेकिन अब कल देखूंगी अगर पालक पनीर बना सकी या आलू मेथी, मतलब कुछ भी ऐसा ग्रीन लीफी बना सकी तो ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए अभी फटाफट इसमें लगते हैं, तेल अच्छे से गर्म हो गया, आइए गाइज। ये गया हींग पाउडर, और ये डाल दिया जीरा, तेल अच्छे से गर्म हो गया, और ये गया हमारा प्याज टमाटर का मसाला, छींटे उड़ रही हैं बाबा, और मैं अब डाल दूंगी इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। गाइस देखिए आपको अदरक लहसुन का पेस्ट नज़र आ रहा होगा, ये मैंने डाल दिया है, और अब मैं आपको जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी मैं वो नमक मिर्च हल्दी वगैरह सब डाल दूंगी, ठीक है, फिर मैं काटूंगी कबाब के पीसेस और वो डालूंगी। गाइस ये देखिए ये हमारे रस में से हल्के हल्के ग्रेवी वाले कबाब हैं रेडी, और अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए रोटी, और देखते हैं फिर उसके बाद आरव कब तक खेल के आता है, तब तक बेटी को जो रोटी खिलाएं। होती है फटाफट झटपट वाली रेसिपी जो हमने बना ली, कबाब को तो कुछ करना ही नहीं होता, और अभी मैं बनाती हूँ रोटी, तो आपसे मिलती थोड़ी देर बाद। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11:30, तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, बच्चों ने खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद जो उन्होंने कबाब खाए हैं वो ऐसे, क्योंकि बने ही बड़े टेस्टी है, और मैंने अभी खाना खाना है, तो मैं आपसे मिलती हूँ कल।
और मैं कल आपको बताऊंगी एक बहुत ही बढ़िया फेशियल घर की चीज़ों से जो मैं आप करूंगी अपने बर्थडे के आसपास, और वो बहुत ही इफेक्टिव है। वो ब्राइडल्स पे भी किया जा सकता है, घर पे, मतलब जैसे मैं घर की चीज़ों का यूज़ करती हूँ ना, वैसे ही वो घर की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या उसमें मिलाते हैं और क्या क्या उसमें डालते हैं हम, जिससे हमारा फेस और ग्लो करे, तो वो कल मैं आपको बताऊंगी। मैं पता नहीं कैसे बताना भूल गई, ये बहुत ही सिंपल है, आप वंस इन अ 15 दिन में, मतलब वंस इन अ 15 डेज आप कर सकते हो घर बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आपको मैं कल बताऊंगी पूरा इंग्रेडिएंट, पूरा प्रोसेस, पर कल आपका स्कूल भी है, तो देखती हूँ जैसे भी टाइम मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मिलती हूँ कल, बने रहिए मेरे साथ, कल का ब्लॉग मिस मत कीजिएगा, स्पेशली लेडीज़ लोग जो हाउस वाइफ है, जिनके पास बाहर जाने का बिल्कुल टाइम नहीं है मेरी तरह। तो चलिए बनते हैं, मिलते हैं कल आपसे, टेक केयर, गुड नाइट, और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ठंड बढ़ रही है, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।